रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली की सियासी पार्टियां इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। सभी उम्मीदवार पार्टी अलकमान के पास अपनी अपनी उम्मीदवारी मजबूत करने में लगी है, लेकिन 19 सितंबर को दिल्ली के BJP ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि कम से कम एक नेता की उम्मीदवारी तो पूरी तरह से खत्म होते नजर आई है, और वे भी अपने पारिवारिक विवाद में। बताया गया है कि दोनों के वैवाहिक जीवन में कलह चल रहा था और सिया ने पति सरिता चौधरी के तलाक के लिए मामला दायर किया हुआ है। 19 सितंबर की शाम को आज़ाद सिया ने दिल्ली BJP के दफ्तर के बाहर ही अपनी पत्नी की सरिता चौधरी को थप्पड़ मार दिया, और इसी बीच सरिता चौधरी ने भी 100 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस आई जांच की बात कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। नॉर्थ एवेन्यू थाने ने जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन बात BJP से जुड़ी थी तो एक्शन भी हो गया है। आजाद सिया महरौली जिले के BJP अध्यक्ष से BJP के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तत्काल प्रभाव से आजाद सिया की अध्यक्षी छीन ली और उनकी जगह विकास तनवर को महरौली BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। आजाद सिया महरौली BJP के अध्यक्ष रहे हैं तो पत्नी सरिता मेयर रह चुकी है। इमेज के लिहाज से सरिता आजाद सिंह से बड़ी नेता है। स्थानीय कार्यकर्ता दिल्ली की विधानसभा चुनाव में सरिता चौधरी को उम्मीदवार के तौर पर भी देख रहे थे, लेकिन ये थप्पड़ कांड हो गया और फिर आजाद सिंह की अध्यक्षी चली गई। दोनों के बीच रिश्ते पहले से ही इतने खराब है कि कोर्ट में केस चल रहा था और इस थप्पड़ कांड ने बची कसर भी पूरी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।